मां को थमाया सुसाइड नोट, फिर होमगार्ड कर्मी ने कर ली आत्महत्या। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से सटे जुनगा क्षेत्र में एक होमगार्ड कर्मी ने अपनी मां को सुसाइड नोट थमाया और फिर आत्महत्या कर ली। इसकी पहचान ओम प्रकाश पुत्र सर्वजीत सिंह निवासी जुनगा शिमला ग्रामीण के तौर पर हुई है। ओम प्रकाश वर्तमान में सोलन तैनात था। शहर से सटे जुनगा क्षेत्र में होमगार्ड जवान घर के पास बेसुध हालत में पड़ा मिला है। इसे उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस को एक जहरीले पदार्थ की शीशी भी मौके पर से मिली है। इसके छह पन्ने का एक सुसाइड नोट भी मिला है, इसलिए पुलिस ने कब्जे में लिया है। पुलिस आत्महत्या के कारणों का पता लगा रही है। हिल्स क्वीन शिमला में पर्यटन कारोबार पर मौसम की मार, बुकिंग घटी। मौसम की मार से हिल्स क्वीन शिमला में पर्यटन कारोबार बुरी तरह प्रभावित हुआ है। भारी बारिश से हिमाचल में हो रहे नुकसान की खबर राष्ट्रीय मीडिया में सुर्खियां बनने से सैलानी शिमला का रुख करने से डर रहे हैं। शहर के पर्यटन कारोबारियों को कोरोना काल के बाद इस साल मानसून सीजन में भी सैलानियों की भारी आमद की उम्मीद थी, लेकिन वीकेंड पर होटलों के महज 20-25% कमरे ही बुक हो रहे हैं। ट्रेवल एजेंट्स एसोसिएशन शिमला के महासचिव मनु सूद ने बताया कि 20 दिन से शिमला के लिए एडवांस बुकिंग पूरी तरह बंद है। शिमला में अब बच्चों को सिखा रहे स्कूल मोबाइल, लत लगाना मत। कोरोना काल के दौरान स्कूलों की ओर से ऑनलाइन चलाई कक्षाओं के चलते कई विद्यार्थी मोबाइल के आदि हो गए हैं। अब इन विद्यार्थियों को इस लत से बाहर निकालने के लिए स्कूलों को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। शहर के कई स्कूलों में इसके लिए खास रणनीति अपनाई जा रही है। राहत की खबर, पंपिंग बढ़ी, शिमला शहर में सुधरने लगी है पेयजल सप्लाई। परियोजनाओं से मिला 43.61 MLED पानी। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की पेयजल परियोजनाओं से पंपिंग बढ़ने के बाद शिमला शहर में पानी की स्थिति सुधरने लगी है। शहर के ज्यादातर इलाकों में बुधवार को पानी दिया गया। आज से शहर में पहले की तरह तीसरे दिन नियमित सप्लाई का दावा किया है।